जी सरकार। मुझे एक बात बताएं। <laughs> होने के बाद और ठीक kind of well. uh, है mm -hmm. और uh, कुछ एक दो आपने आइडियाज भी हमने डिस्कस किए उनको वही क्यों रहने दिया प्रोडक्शन वी वर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर और एन इन्वेस्टर बस चीजें कर रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी तो मैंने डिसीजन लिया है शोबे छोड़ने का पहले तो मैं दूसरों के ड्रामे कर रही थी रेगुलरली कर रही थी नोमी no, कोई ऐसी ऑफर आ जाए कि मैं कोई हवाओं में उड़ने लगूं और पागल ही हो जाऊं तो कर लूंगी नुँ। नुँ। वरना इस पैसे में इस तरीके में इस तरह की कहानियों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं नुँ। नुँ। और दूसरी चीज जो मैंने नोट की है तुम भी मेन लीड से और मैं भी मेन लीड से अब एज में आके कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं मेरा और आज के सुपरस्टार का फर्क सिर्फ फी में है वो पचास लेता है मैं पच्चीस लेती हूँ ये है हमारा फर्क वरना कमरा मुझे भी एक्टिंग के लिए अलग चाहिए मेकअप आर्टिस्ट मुझे भी अपना अलग चाहिए मुझे रहने के लिए भी अच्छा फाइव स्टार होटल चाहिए मुझे अपनी वैनिटी भी चाहिए उसी तरह जिस तरह लीड को चाहिए होती है क्योंकि मैंने भी परफॉर्म करना है और एक्चुअली परफॉर्म तो करते ही एक्टर्स तो ये इतनी भारी जो हमें जॉब देते हो लगता है है ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसी वैसी Hmm. मतलब हमें तो क्लर्क समझा जाता है ना hmm. बॉसेस को अलग अलग कमरा लड़का लड़की hmm. को मिल गया hmm. बाकी जाओ आई मीन यू डोंट वेयर आई कम फ्रॉम इसी बात को मैं लेके चलूंगा ये हमारे दौर में एक प्लस पॉइंट ये होता था कि हम एक ही जगह सारे इकट्ठे बैठते थे जिसमें हम

मुझे नोमी ने इतनी बातें सिखाई हुई है कि किस तरह सरप्राइज होना है अगले को अंस मतलब लाइंस भूल जाओ के वो क्या जवाब दे रहा है ये हमारी टेक्निक हमें पता है लेकिन आप एक दफा आके बात तो करो मूव क्या लेनी है क्या करना है या आर्टिस्ट कंफर्टेबल ना हो पहले से एक दूसरे से हाँ।, हाँ। नहीं नहीं डिस्क्रिमिनेशन है हीरो हीरोइन शहजादे थे ऐसी क्लर्क आपस में भी यंगस्टर्स के ताल्लुका ठीक नहीं, नहीं है जलसी है। और वो सेट पे आते हैं और नेगेटिविटी फैली होती है आपस में नहीं बन रही होती यार ये कब तक है? ये सूरत हाल अब घटिया सोच आ गई है घटिया लोगों की ऐसे ही आप लोग प्रोड्यूस करके सोच को बदले ना कोई शौक नहीं है प्रोड्यूस करने का सोच को बदले भाड़ में जाए सोच अरे भाड़ में ना बदले ना बदले भाई मेरा ये ड्यूटी नहीं है पूरे जहाँ क्या पढ़ रही है जी शी इज स्टार्टिंग डेटा साइंस

हेडेड बंदा होगा ये जितनी आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग नजर आती है अंदर से उतनी ही सेंसिटिव है इनको अक्सर सारा कॉन्ट्रोवर्सी में डाल देता होगा इनका क्योंकि प्लूटो जब नाइंथ हाउस के अंदर होता तो है तो ये कंट्रोवर्सीज पैदा कराता है तो इतनी सेंसिटिव मिजाज के साथ इफत जी कैसे कोपअप करती है आ, पहले सामने बहुत मुश्किल था जब पहले पहले मेरी ट्रोलिंग शुरू हुई क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है पर यह मिजाज पहले नहीं देखा था कि लोग खुलेआम गालियाँ एक दूसरे को दें उस, मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैंने सोशल मीडिया कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया बिल्कुल बस फ्रिवलिस बातें करती रही फैशन की बातें करती रही रियलाइज कि आई एम इंटरेस्टेड कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है और जो मेरी अकल मुझे कह रही है नाकिस मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ वो बातें करती हूँ

और मैं हैरान हूँ कि मोहब्बत के मामले में इफ़त जब मैं आपका सितारा देखती हूँ माशाल्लाह यहाँ पे नज़र आता है कि हस्बैंड के मामले में टचवुड आप ब्लेस्ड हैं लेकिन कोई भी आपको मोहब्बत करके भूल नहीं सकता आपसे भूल जाते हैं मैं तो <laughs> भी भूल जाते हैं ना जी आगे चलिए ना बोले अल्लाह के वास्ते कुछ ना बोले मैंने इनके प्रोग्राम में एक मोहब्बत में सच बोला था

बगैर सोचे समझे कूद पड़ती हैं। no. मैं बिल्कुल I'm नहीं very particular about, about my words. No, no, no अपनी no, no. बात पे होमवर्क करके ये जो है एक किस्से में अली जफर वाले में मैं अलेज लिखना भूल गई थी उसके hmm. बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि सारी रिसर्च करके लिखना है जो लिखना है। hmm. जो अच्छी बात है और आज मैं एक पेश गोई इनके बारे में करने जा रही हूँ जो की आने वाले टाइम में अगले साल के फेबर से आप इफ्फत के अंदर एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इफ्फत बड़ी पॉजिटिव सोल भी है उसका ये पार्ट भी है आप इन्हें जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही बाउंस बैक करेंगी वरना मैं मर जाऊंगी और नहीं। ये उतनी ही वो जो शिद्दत के साथ वापस कम बैक करेंगी जो कि फिर इनका वो वक्त शुरू हो गया कम बैक करने का फेब्री में एक एक डेट पहले एज हीरोइन आई फिर एज मां या एज दादी आऊंगी वजीर आजम जल्दी बना रहे हैं <laughs> किसी वैसे जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं मैं भी बन सकती हूं अनुमान सर किसी की किस्मत कोई उससे छीन नहीं सकता बिल्कुल ठीक बात है लाख कोशिश कर ले इनके नसीब में रिस्पेक्ट है इज्जत है वो इनको वापस मिल जानी है और वो टाइम शुरू भी हो गया

हो सकती है इफ़त को हो सकती है तो बहुत मेरे अंदर मान <laughs> का कोई ऐसा राज जो सिर्फ आपको मालूम हो जी एक है बता दें सर बताइए राज राज है दोस्त का अच्छा ओके okay. अपनी लुक्स में कुछ बदलना चाहें तो क्या बदलेंगी मैं सिर्फ थोड़ी लंबी और होना चाहूँ बाकी अच्छा हाँ काश थोड़ी दो इंच लंबी होती <laughs> तो, मैंने है दुनिया फसा कर ली दुनिया फता कर ले रही थी वैसे भी आप दुनिया अभी ही भी कर ही लिया तो आप। आप आप <laughs> सोचो अभी का छोटा है ऑपोजिट जेंडर में पहली तीन चीजें क्या नोट करती है गर्दन आर्म्स और वो ड्राइविंग कैसी करता है गर्दन पहले जूती और सॉक्स की नोट बनी होती है आम इसके जो पर नहीं होती है <laughs> और ड्राइविंग किस लिए बस मुझे अच्छे लगते हैं मोहम्मद जो बड़ी परफेक्ट ड्राइविंग करते हैं परफेक्ट ड्राइविंग वाँ वाँ करते हैं सियासत की ऑफर हो तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगी पीटीआई नॉन आई डोंट वांट टू बिकम इन पॉलिटिक्स नॉट माय कप ऑफ नॉट योर कप ऑफ टी वहां भी झूठ बोलने पड़ेंगे फिर क्या फायदा हाय हाय घर वाले आपकी किस बात को सीरियसली नहीं लेते वो मुझे सीरियसली लेते, <laughs> लेते हैं लेते लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी